दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव कुमार, आप सबों का राजीव कुमार ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम आप लोगों को ले चलेंगे पहाड़ी के ऊपर, वहां पर आपको दिखाएंगे कहां पर क्या चीज़ है। तो आप लोग इस ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिए। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आगे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम आप लोगों को ले चलते हैं माँ जोगिनी स्थान गुफा जो है पहाड़ी के ऊपर, वहीं पर ले चलते हैं आप लोगों को। तो साइड से रास्ता आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को ले चलते हैं। और ये आगे आगे जा रही है और उसका चाचा भी वीडियो बना रहा है, देख सकते हैं। तो यही साइड से रास्ता आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग अब पहाड़ी के ऊपर चढ़ने वाले हैं, वहाँ भी वीडियो वगैरह शूट होगा। आपको सारा चीज़ इस वीडियो में दिखाएंगे किधर क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहाड़ी चढ़ने के रास्ते में ही बगल में आपको पंचमुखी महादेव जी का मंदिर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं शिव जी का मंदिर यहाँ पर है, दोनों साइड में बसाहा बैल का बना हुआ है। तो इधर साइड से ही यहाँ पर हर जगह आपको जो है ये मिल जाएंगे। कहीं पर कोई बेच रहा है, कहीं पर कोई मांग रहा है, बैठा हुआ है, तो छोटे बच्चे बूढ़े सभी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। रास्ते में कई जगह आपको मिल जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे भी मिल जाएंगे, बड़े भी मिल जाएंगे, गरीब लोग थोड़े मतलब जो मेहनत नहीं कर पाते हैं तो यहीं पर आके जिस दिन पूजा रहता है मंगलवार और शनिवार उस दिन यहाँ पर बैठ जाते हैं सीढ़ी वगैरह पे, और ये लोग मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं। जो जैसा अपने हिसाब से कोई काम करके, कोई मांग कर, जो जैसा अपने हिसाब से अपना गुजारा करते हैं। तो चलिए ये सीढ़ी आपको बहुत लंबा मिल जाएगा, थोड़ा देख सकते हैं और आगे आगे चल रही है। तो आपको किसी ब्लॉग्स में आपको हम दिखाएंगे दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में कि ये जो है पहाड़ी जहाँ पर जोगिनी माँ का गुफा है वहाँ से लेकर नीचे तक कितनी सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ता है हम लोगों को, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। इस ब्लॉग में मैं सिर्फ दिखाऊंगा आपको कहाँ पर क्या है। साइड में देख सकते हैं दोस्तों जंगल झाड़ी भी यहाँ पर बहुत सारा है, पेड़ पौधा भी है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं इस ब्लॉग में, आप लोग ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिए। तो बारिश वजह से दोस्तों देख सकते हैं सीढ़ी पे थोड़ा काई भी बैठ चुका है, लेकिन सूखा है तो नहीं फिसलता है, बट काई वगैरह साइड में पड़ गया है, देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन कलर हो चुका है। तो और देख सकते हैं आर्या का चाचा पीछे पीछे आ रहा है वो वीडियो बनाते हुए, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं रोड का नज़ारा, अब और थोड़ी दूर है उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे माता रानी के गुफा के पास। यहाँ पर टैंकी वगैरह भी है, पानी का दे दिया है, और यहाँ पर ये विश्राम गिरी भी बनाया गया है। यहाँ पर अगर लोग थक जाते हैं या धूप ज़्यादा रहती है तो यहाँ पर लोग विश्राम भी करते हैं, यहाँ पर बैठते भी हैं लोग। मैं आपको यहाँ से भी नज़ारा दिखा देता हूँ कुछ नीचे का किस तरह का दिखेगा, आप लोग देखते रहिए। देख सकते हैं रोड कितना यहाँ से दूरी नीचे दिख रहा है, किस तरह से छोटा छोटा घर सब चीज़ यहाँ पर से छोटा छोटा नज़र आ रहा है। देख सकते हैं नज़ारा कुछ इस तरह से, इस तरह से ये उसी रोड से हम लोग उधर से ही आए हैं जोगिनी थान मोड़ होके ही। तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठने के बाद अब हम लोग फिर चलेंगे अब ऊपर की ओर। तो आप लोग इस ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिए, आप लोगों को सारा चीज़ इस ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो अब थोड़ी ही दूर है, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा सीढ़ी जो है चढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चा सबको चढ़ने में, फिर भी आर्या हिंदुस्तानी मेरे हाथ में, तो भाविया हिंदुस्तानी भी है, मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट मेरे गोद में भाविया हिंदुस्तानी भी है। तो बच्चे को लेकर फिर मोबाइल से वीडियो शूट करते करते आप समझ सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट कोई बात नहीं, घूमने आए हैं, घुमाने आए हैं, तो आप लोगों को मनोरंजन कराना हमारा काम है। अब और थोड़ी सी ही दूर है, ज़्यादा अब नहीं, बस चढ़ेंगे थोड़ी दूर में बस हो जाएगा और पहुँच जाएंगे हम लोग। तो आर्या तो चल रही है, इसका तो पैर दुखेगा, ये तो दूसरे दिन मालूम होगा, अभी तो चल पा रही है। और थोड़ी ही दूर में अब मिल जाएगा आपको माँ योगिनी का गुफा। तो आप लोग वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए, किधर क्या है सारा चीज़ इस वीडियो में दिखाने वाले हैं दोस्तों।
यहाँ पर बहुत लोग आते हैं दूर दूर से, लेकिन अभी लॉकडाउन में थोड़ा सा बहुत कम ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं अभी, नहीं तो इतना भीड़ रहता था कि जगह नहीं मिलता था आने जाने का, लोग थक जाते हैं तो सीढ़ी पे भी बैठ जाते हैं। फिर भी काफ़ी लोग मिल जाएंगे आपको, पूजा करने के लिए आते हैं अपने श्रद्धा भाव से। यहाँ पर 2 दिन पूजा होता है दोस्तों, 2 दिन ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर, दुकान वगैरह भी 2 दिन लगता है, बाकी दिन नॉर्मल रहता है थोड़ा मोड़ा, बाकी 2 दिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर पूजा होती है, बलि भी चढ़ता है पाठा वगैरह का। तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं, देख सकते हैं मैं भी थक गया थोड़ा, हाथ मेरा थक गया, जो भाविया को मैं नीचे कर दिया, और उसके बाद इसको बोला चलो अब पहुँच चुके हैं हम लोग, देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक भैया है यहाँ पर दुकान वो लगा के, और वहाँ पर भी बेचते हैं, देख सकते हैं एक यूट्यूबर आ रहा है, ये भी वीडियो शूट कर रहा है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, क्या कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा आगे क्या चीज़ कहाँ पर कैसे है, गुफा सारा चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आगे आपको वीडियोज़ मिल जाएगा। नेक्स्ट डेट दोस्तों आप कल इस वीडियो को आगे देख पाएंगे, नेक्स्ट भाग को। तो तब तक के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय माता रानी की।